मैडम, पर सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगी कि इसके फाइनेंस बिल का नाम बदल के टैक्स ट्रैप बिल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक जाल है विच ट्रैप्स एवरीबडी इन इट. इफ यू अर्न मनी यू पे टैक्स, इफ यू स्पेंड मनी यू पे टैक्स, इफ यू सेव मनी यू पे टैक्स, इफ यू इन्वेस्ट मनी यू पे टैक्स, इफ यू पे टैक्स ऑल्सो यू हैव टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ अ सेस और समथिंग. सो अमीर हो, गरीब हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, विकलांग हो, हर एक को इस टैक्स के जाल में जब फंसा लिया है, तो व्हाई शुड इट बी कॉल्ड फाइनेंस बिल? इट शुड बी कॉल्ड द टैक्स ट्रैप बिल व्हिच ट्रैप्स 140 करोड़ पीपल एंड डज नॉट स्पेयर एनीवन, वेदर दे आर पुअर और दे रिच. बट यस, दिस बिल इज डेफिनेटली वेरी काइंड टू द कॉर्पोरेट्स. फॉरेन कॉर्पोरेट कंपनीज, दैट टैक्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 45% to 35%. But the angel tax which used to be given to startups and all has all been finished. The budget which lowered in 2019, even domestic businesses and corporate tax or domestic was also lowered in 2019, lekin 10 saal baad sirf foreign companies ke liye. To kya baat hai ki 10 saal baad sarkar ka pyar apno ke saath nahi lekin videshiyon ke saath badh gaya hai. Ye bahut dukh ki baat hai. And I will also say that taxing life and health insurance is nothing less than tax terrorism. The constitution enshrines the right to life, and here this government is putting 18% tax on something like that is nothing less than shameful. Aur sir, har taraf se jo gareeb hota hai, jo chota insaan aage badhna chahta hai, usi ke sath pakpat kiya gaya hai. Aaj corporate tax mein unko to sirf 25% tax dena hota hai, लेकिन पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप को 30% देना होता है. पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप कौन करता है? जो थोड़ा सा पैसा जमा करके अपने किसी रिश्तेदार के साथ कंपनी बना के दोस्त मित्र के साथ पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप करता है, तो उसको 30% टैक्स देना होता है. सो मेरी पहली डिमांड है कि ये हैव्स एंड हैव नॉट्स की खाई बढ़ाइए नहीं, बल्कि छोटों वालों को आप इनकरेज करिए. और कॉर्पोरेट टैक्स जो 30% हो सकता है, तो प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को भी आप 20% करके इनकरेज करिए. इसी तरह से मैं कहूंगी एमएसएमई इंडस्ट्री, सबसे छोटे मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, सबसे ज्यादा रोजगार देती है, आज इनको इनकरेज करने की जरूरत है. और इनको इनकरेज तो क्या किया जा रहा है, ये 43B जो आपका ये जो क्लॉज 43B था, जो मैंने पहले भी कहा कि वित्त मंत्री ने जाके लुधियाने में हमारे इंडस्ट्री को अश्योर किया था कि ये क्लॉज मैं हटा दूंगी, लेकिन आज हटाया नहीं जा रहा है. इसको कहते हैं ये एमएसएमई के फेवर में. एमएसएमई के फेवर में कैसे? जो एमएसएमई को 15 दिन में पैसे देने हैं और 15 दिन में ये ना दिए तो आपके सारे टैक्स इंसेंटिव्स खत्म हो जाते हैं. तो लोगों ने छोटे वालों से लेना ही छोड़ दिया, क्योंकि 15 दिन की जगह दूसरे वाले से तो 45 दिन में पेमेंट करनी होती है. तो 45 वाले से बड़े दिन बड़ी कंपनियों से लेने लग गए और छोटे छोटे सारे खत्म हो रहे. सो दिस इज टोटली एंटी एमएसएमई. सो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि गवर्नमेंट ने जो वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स किया है, देन दे शुड बी फ्रेट इक्वलाइजेशन. अब स्टील जहां पे मैन्युफैक्चर होते हैं, वहां से जो आसपास के जो राज्य है उनको सस्ती रेट पे मिलता है, लेकिन पंजाब जो लैंडलॉक्ड है, पोर्ट से दूर है, मैन्युफैक्चरिंग से दूर है, वही स्टील जब हमें खरीद रहा है तो वो महंगा पड़ता है, जिस करके हमारे उस चीज से बनने वाली चीजें वायबल नहीं होती. सो कंपेटिटिव नहीं रहती, जिस करके फ्रेट इक्वलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई विल कम टू द बाइसिकल इंडस्ट्री. आज सर हमारे देश में गरीब से गरीब जो है उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है?
या वो पैदल चलता है क्योंकि वो बस की 10 रुपए की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता है, या 4 पैसे इकट्ठे करके साइकिल में जाता है। इंडिया हैपन्स टू बी द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बाइसिकल एंड बाइसिकल पार्ट्स। एंड सर 40 साल पहले इंडिया एंड चाइना वर एट पार, बट टुडे वे इंडिया प्रोड्यूसेस ओनली 2.8 करोड़ साइकिल, चाइना प्रोड्यूसेस 32 करोड़ बाइसिकल्स एवरी ईयर। व्हाई दिस डिफरेंस इन 40 इयर्स? Because the technology has been upgraded in China, and instead of encouraging this industry, which is a poor man's mode of transport, which is totally environment friendly, aur gareeb se gareeb ko isko madad karne ke bajaye, there is no fund for technology upgradation for our Indian industry. There is no microfinancing ki ye pollution free mode of transport jo gareeb ke liye isko koi microfinancing kare. मोर देन 30 करोड़ पीपल जो गरीब चौकीदार का काम करता है दुकान में, वो पैदल चल के जाता है क्योंकि बस का 10 रुपए का भाड़ा नहीं भर सकता, उसको आप साइकिल को सस्ता करें ताकि वो बेचारा भी रह सके। एंड सर माइक एमएसएमई इंडस्ट्री के साथ देर हैज बीन सच अ बायस दैट द क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम विच हैज बीन इंक्रीज, विच यूज टू गेट 15 लैक्स यूज टू गेट बैक इफ यू हैड अ 1 करोड़ लिमिट एंड यू टुक अ बैंक लोन टू अपग्रेड योर मशीनरी, but now they have increased the limit to 5 crores but they have taken back the subsidy, which means that now the government is saying that no subsidy but the limit can be 5 crores, you can take a loan, but the subsidy was very important for the MSME to be able to upgrade their machinery. Same way sir, I would also say that while this machinery, this is one scheme, the other one was sir, the PLI scheme also favors people who have 200 crore turnover. What happens to the MSME? Why is MSME not included in the PLI scheme? So there was a scheme also for small MSME that government listed fares abroad. If you were a woman entrepreneur, you got on your ticket, you got 80% subsidy. If you were small micro, you got 85-90% subsidy. Government has disbanded that scheme. These people used to go to these fairs and get good technology with which they used to upgrade their products. Now it's been disbanded. They say go put up a fair or put up a stall which costs 45 lakhs. So kaun MSME can put up 45 lakhs ke stall? So I would request that to encourage the knowledge sharing and also to a technology transfer, please encourage and bring back these CLI ICS scheme. So my next point is on agriculture machinery. It is very unfortunate that tax rationalization has not been done on agriculture and their machinery and their implements. 1.4 billion people are fed by those farmers who toil day and night. So aapne na to aamdan dugni kari 2022 mein, na inko MSP diya, legal guarantee jo aapne promise kiya tha, na is budget mein kisano ke liye kuch hai. To kam se kam jo agriculture implements hai, which is 28%, the output they can only get 12% GST, but the input is 18 and 28. I request that this be rationalized, if not removed, which is very important to encourage the farmers. Sir, lastly, I would like to, last point sir, please, I control. Would like to talk about Punjab's debt trap, where in the last 8 years Punjab has been pushed into such a financial debt trap that अपना हमारा लोन जो 3.25 लाख करोड़ होता था 2022 में, आज 4.25 लाख करोड़ हो गया है। At debt, state's debt to GSDP ratio 47.6%, we are second highest in the country. So our industry, which used to contribute to the GDP of the state at 28.5% in 2012, has come down to 25.5%, loss of 3%.
because of mismanagement of the Congress and Aam Aadmi, and on the second hand BJP giving tax concessions to all our neighboring states, and our industries have all run out of Punjab due to deindustrialization. The farmer is always already in distress with high farmer suicide, which has led to such high unemployment that Punjab's unemployment rate, just 1 minute, sir. Please. Punjab's unemployment rate is double that of the nation. So I would request, sir, that our state is the only one that does not have its capital. The capital is a hub from which funds are collected. Our Chandigarh be given to us, and since 1970, where we haven't got our capital, all the money that has been collected by the central government be given to Punjab and compensated. Our borders, the Wagha border and the Husseiniwal border, be opened for trade. Thank you. So that our industry, our farmers and our youth can all prosper in Punjab. This I request. Thank you.